हाय, दिस इज मीरा देवस्थले एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। कांग्रेचुलेशन आपके न्यू शोज के लिए। मैंने ट्रेलर देखा, काफी ज्यादा अच्छा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? लोगों का फीडबैक तो बहुत अच्छा है हमारे प्रोमो पर, और जैसा कि आपने देखा, ये शो एक कुरीति के बारे में बात करता है, पर ये शो सिर्फ उस बारे में नहीं है। इस शो में एक बहुत सुंदर सी लव स्टोरी है नरेन और नंदिनी की, और नंदिनी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से गुजरती है। जब उसकी वो फेरी टेल वेडिंग में उसे पता चलता है कि नरेन के फैमिली ने दहेज लिया है, तो उसका क्या रिएक्शन है वो आप प्रोमो में देखते हैं। तो बेसिकली देयर इज अ लव स्टोरी, दो बड़े परिवार हैं, एक नरेन का है एक नंदिनी का है, उनके परिवारों के कॉन्ट्रास्ट, हमारा गुजराती कल्चर, और फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, वो तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत सुंदर है। आपको बहुत मजा आएगा देखने में। नंदिनी का कैरेक्टर जो है और आपके कैरेक्टर को अगर रिप्लेस किया जाए, अगर आप उनकी सिचुएशन में होती और ये सब सिचुएशन को हैंडल करती हो, तो किस तरीके से आप? सेम तरीके से, आई थिंक सो। मतलब अगर मैं उस सिचुएशन में थी, मैं भी ऐसा ही कुछ रिएक्ट करती, डेफिनेटली। लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने मुझे इतने साल बहुत प्यार दिया है, एंड हम एक नया शो लेकर आ रहे हैं, कुछ रीत जगत की ऐसी है, जो कि 19 फरवरी से आएगा 8:30 बजे सोनी टीवी पर। तो प्लीज़ 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 आइए और देखिए और उतना ही प्यार दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। यस, आई लव्ड इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।